नाई पर निबंध हिंदी में। नाई एक बहुत ही साधारण मनुष्य होता है, वह कहीं भी देखा जा सकता है। हमें हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक नाई की आवश्यकता पड़ती है। नाई अपना कार्य प्रातःकाल से ही शुरू कर देता है। एक गांव का नाई अपनी जीविका लोगों की दाढ़ी मूछ बनाकर कमाता है। वह अपने बक्से में कैंची, कंघी, ब्रश, एक पुराना रेजर रखता है। वह एक गंदा कपड़ा भी रखता है। वह अपने गांव में प्रत्येक की दाढ़ी बनाता है। नाई का कार्य करने का स्वयं का ही ढंग होता है। उसके उपकरण बहुत पुराने होते हैं। वह उस गंदे कपड़े को गर्दन के चारों ओर लपेटता है। जब ग्राहक तैयार हो जाता है तो वह ग्राहक को अपना मुख देखने के लिए एक शीशा देता है। फिर वह जल्द ही अपना कार्य शुरू कर देता है। यदि नाई दाढ़ी बनाने में बहुत समय लगाता है तो इससे ग्राहक क्रोधित होता है। यदि नाई अच्छी दाढ़ी बनाता है तो ग्राहक उसे प्रसन्नता से रुपये देता है। नाई एक साधारण व्यक्ति होता है जो किसी चौराहे पर या किसी दुकान पर सभी लोगों के बालों की कटिंग करता है। जब किसी के बाल बड़े हो जाते हैं तो उसे बाल कटवाने होते हैं, तो वह एक नाई की दुकान पर जाता है और वहाँ पर जाकर अपने बाल कटवाता है। गांव में नाई घर घर जाकर दाढ़ी बनाता है, वह बाल बनाता है। नाई का काम सभी लोगों के बाल काटना होता है। उसी से नाई अपने परिवार का पालन पोषण करता है। देखने में नाई साधारण व्यक्ति होता है। वह कुर्सी पर ग्राहक को बैठाकर उसके बालों को काटता है और दाढ़ी बनाता है। जब किसी को अपने बालों में डाई लगवानी होती है तो वह नाई की दुकान पर जाकर बालों में डाई लगवाता है। बड़े से बड़े पैसे वाले लोग नाई के पास आते हैं क्योंकि एक नाई के द्वारा ही अच्छी कटिंग बनाई जाती है। पहले के जमाने में नाई के द्वारा बालों की कटिंग साधारण तरीके से करी जाती थी, परंतु आजकल के नाई बालों की कटिंग अलग अलग तरीके से करते हैं, जिससे इंसान के चेहरे पर एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। नाई सभी तरह से कटिंग करना जानता है। जब नाई एक बार कटिंग करने का हुनर सीख जाता है तो जीवन भर इस हुनर के माध्यम से पैसे कमाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू सब्सक्राइब।